प्रिय विद्यार्थियों, एक्सपोनेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी लोग अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे सिलेबस का, और आपके अध्ययन के की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम भी आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है एक्सपोनेंट क्लासेस। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है? तो देखिए, सर्वप्रथम जो प्रोनाउन है उसको हम उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लेते हैं। द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। द वर्ड का मतलब ऐसा शब्द यूज माने जो प्रयोग कर दिया जाए किसके स्थान पर, इन प्लेस माने स्थान पर, किसके, ऑफ अ नाउन में किसी संज्ञा के स्थान पर, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाए उसी को बोल देते हैं प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अगर हिंदी में इसके डेफिनेशन को देखी जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इसकी जो प्रोनाउन है उसकी दूसरी डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो किसी नाम का प्रतिस्थापित रूप या उसके स्थान को लेने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापित करने वाला। प्रतिस्थापित का मतलब होता है स्थान लेने वाला। जैसे मान लीजिए कि अब हम आपको एक सेंटेंस के माध्यम से समझाएंगे कि प्रोनाउन को हम कैसे समझें और किस प्रकार से वो नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये बात निश्चित है कि नाम का जो जेंडर होगा, नाम का जो पर्सन होगा, नाम का जो केस होगा, पर्सन, जेंडर और केस, तो चूंकि ये बात तय है कि हम नाउन के स्थान पर ही तो जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही प्रोनाउन कहलाएगा, तो ये बात निश्चित होनी चाहिए कि जिस नाउन के स्थान पर हम उसका जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है उसको यूज करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ध्यान में रखना होगा कि वो नाउन किस केस में है, वो नाउन किस नंबर में है और वो नाउन किस जेंडर में है। इन तीन चीज़ों के आधार पर, नाउन के इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा शब्द हम इस्तेमाल करें कि वो इन चीज़ों तीन चीज़ों को कवर कर ले, ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे समझेंगे कि प्रोनाउन को हम कैसे नाम के स्थान पर यूज करते हैं और प्रोनाउन का यूज करते क्यों हैं। क्योंकि साहित्य में या व्यवहारिक जीवन में किसी भी नाम को या किसी भी वस्तु को बार बार उसके प्रॉपर नाम से बुलाना या प्रकट करना, व्यक्त करना, ये बहुत ही जो है कहीं ना कहीं थोड़ा इसका प्रभाव कम हो जाता है। जिस नाम को हम अपने वक्तव्य में, अपने कथन में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उस नाउन का अगर हम बार बार नाम लेकर के पेश करें, किसी के समक्ष प्रस्तुत करें, तो यह है थोड़ा सा अपने आप में कहीं ना कहीं एक उसका जो 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 वाक्य का जो आकर्षण है, वाक्य जो मिठास है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें हल्कापन थोड़ा सा आने लगता है। तो इस आधार पर उस नाउन का बार बार प्रयोग ना करके कुछ ऐसा शब्द यूज किया जाए जो उसी नाउन का भाव दे जिस नाम को पहले हम वर्णित कर चुके हैं वाक्य में, तो ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहेंगे। अब आप सेंटेंस की सहायता से देखिए कि पहले हम आपको हिंदी में समझाएंगे और हिंदी के साथ साथ तब इंग्लिश में बताएंगे उसके बाद। जैसे राम एक अच्छा विद्यार्थी है। फिर आगे हमने लिख दिया राम कक्षा आठवीं
फिर आगे लिखा राम रामनगर में रहता है। फिर आगे अगला बात, राम के पिता एक वकील हैं। राम को पढ़ना अच्छा लगता है। अब हमारे पास इतने सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस है राम एक अच्छा विद्यार्थी है। दूसरा सेंटेंस है राम कक्षा आठवीं का छात्र है। तीसरा राम रामनगर में रहता है। राम के पिता एक वकील हैं और राम को पढ़ना अच्छा लगता है। इतने सेंटेंसेस हुए। अब प्रत्येक वाक्य को अगर हम देखें, अगर प्रत्येक वाक्य को का अध्ययन किया जाए, देखा जाए, तो प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा नाउन है जिसके बारे में कोई ना कोई बात कही गई है। और जब हम देखेंगे कि उस नाउन के बारे में बात कही गई है, तो वो नाउन वाक्य में उसकी पुनरावृत्ति वाक्य में बार बार हो रही है, और इस बार बार की पुनरावृत्ति से निपटने के लिए और वाक्य को थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए, जो आगे वाले वाक्य हैं उनको थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए, हम अब राम के स्थान पर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, जो कहीं ना कहीं राम का ही भाव हमको आगे के वाक्यों में देगा। जब उस शब्द से हमारा सामना होगा तो हमको ये एहसास होगा, हम ये समझ जाएंगे कि ये शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया गया है। पहले आए हुए वाक्य में जो नाउन है उस नाउन के लिए यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले वाले वाक्य में ऐसा कौन सा नाउन है जिसके विषय में कोई बात कही गई है। तो देखते हैं कि पहले वाले वाक्य में ये भी नाउन और ये भी नाउन, लेकिन दोनों में से आपको वो नाउन छांटना है जिसके विषय में कोई बात कही गई। तो आप को ये पता चलेगा कि विद्यार्थी होने की बात यहाँ पर कही गई है किसके विषय में, राम के विषय में। तो अब ये आपका ऐसा नाउन हो गया जिसके विषय में बात कही गई। अब अगले वाक्य में फिर उसी राम के बारे में बात कही गई है, इस वाक्य में भी राम के बारे में बात कही गई। तो अब हमको ये मालूम हुआ कि हमारे वाक्य में एक या एक से अधिक, दो तीन, जितने भी नाउन आए उन सभी नाउन से मतलब नहीं है। प्रोनाउन का प्रयोग उस नाउन के लिए होता है जिस नाउन के विषय में कोई बात कही जाती है या उसको डूअर के रूप में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन के विषय में, राम के विषय में बातें कही गई हैं। अब हम देखेंगे कि इन प्रत्येक वाक्यों में हम ऐसा कौन सा शब्द रख दें जो राम का पूरा भाव हमको दे दे। तो अब हम देखेंगे कि यहां अगर हम राम के स्थान पर, क्योंकि नंबर, केस और जेंडर इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, तो यहां पर अगर हम राम की जगह लिख दें वह, ठीक है, वह लिख दिया, तो अब वह किसके लिए आया, राम के लिए। इस वाक्य में लिख दें वह, इस वाक्य में राम के स्थान पर लिख दिया हमने उसके, और इसमें हमने लिख दिया उसको, उसको, ये उस और को एक में ही रहेगा, उसको, उसको के स्थान पर उसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये एक अलग विषय है कि किस नाउन के जेंडर, पर्सन और केस के अनुसार कौन सा शब्द हम रखें कि वो शब्द उस नाउन के जेंडर के अनुसार और पर्सन के अनुसार और केस के अनुसार सही हो, ये एक अलग विषय है। इस पर भी वीडियो आपको शीघ्र ही मिल जाएगा।
लेकिन आज चूंकि टॉपिक हमारा सीधे प्रोनाउन है तो अब इसमें आगे देखिए, तो राम के स्थान पर हमने रख दिया वह। अब वह शब्द पढ़ते हुए आपको ये आप फिर महसूस करोगे, आप समझ जाओगे कि वह शब्द किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। दूसरे वाक्य में देखेंगे वह किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, क्योंकि तो एक ही व्यक्ति के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं। तो इस आधार पर यह राम के लिए, यह शब्द राम के लिए, यहाँ पर लिखा उसके ये भी राम के लिए, और यहाँ लिखा उसको या उसे, ये दोनों शब्द भी किसके लिए, राम के लिए आया है। अब यह शब्द जो यूज किया गया ये, अब हम इस पर थोड़ा सा इसको ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह शब्द जो यूज किया गया ये है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केस नंबर और पर्सन ये थोड़ा अलग का विषय है, यहाँ पर इस पर चर्चा करना बहुत लाजमी नहीं होगा, इस पर वीडियो आपको शीघ्र मिलेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन आया यह नाउन के स्थान पर यूज किया गया। इस वह के पहले क्या लिखा था, अभी पहले वाक्य में राम लिखा हुआ था, हर जगह जहाँ जहाँ हमने वह उसके उसको या उसे किया है उन प्रत्येक जगहों पर राम लिखा हुआ था, और तभी भी हमें वही भाव मिल रहा था। जितने भी सेंटेंस थे इसमें विद्यार्थी होने की बात कही गई थी राम के बारे में, इसमें आठवीं का छात्र होने की बात कही गई थी राम के बारे में, इसमें रामनगर में रहने की बात इसके बारे में, राम के बारे में, इसमें वकील पिताजी के वकील होने की बात इसके पिताजी के वकील राम के, इसमें पढ़ने में अच्छा लगता है किसको अच्छा लगता है, राम को, प्रत्येक जगह राम राम ही था। लेकिन अब हमने उस राम के स्थान पर क्या किया, एक ऐसा शब्द डाल दिया जो राम का ही भाव हमको दे रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। बस इतनी सी बात है, इसी को बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब इसमें इंग्लिश में देखा जाए, पूर्व जो हिंदी का सेंटेंस था उस सेंटेंस को अब इंग्लिश में समझते हैं कि इंग्लिश में कैसे शब्दों को रखा जाए प्रोनाउन के रूप में। तो देखिए पहला सेंटेंस जो हमारा था वो था राम एक विद्यार्थी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें वाक्य में एक दो तीन कितने भी नाउन आ जाए लेकिन हमें उस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को रखना होता है, जिसमें किसी नाउन को डूअर के रूप में पेश किया प्रस्तुत किया गया हो या उस नाउन के बारे में कुछ होने की बात कही गई हो। तो ये बात आप पहले समझ चुके हैं अभी। अब इसमें हम देखते हैं कि राम के बारे में सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो अब पहले वाक्य में चूंकि अब हम इसी की सहायता से समझेंगे तो इसमें राम को राम ही रहने देते हैं, और अब हम देखेंगे कि राम के स्थान पर दूसरे वाक्य में अगर हम क्या लिख दें, ही लिख दें, तो ये ही राम के लिए ही आया है। अगर इस वाक्य में हम ही लिख दें तो ये ही राम के लिए ही आया है। अगर इस वाक्य में हम अब इसमें क्या लिखें, तो इसमें हम क्योंकि ये जो apostrophe s लगा हुआ है, किसी नाउन में apostrophe s लगने का मतलब होता है कि यह नाउन पजेसिव केस में है। अब पजेसिव केस में अगर नाउन है तो उस नाउन का जो प्रोनाउन हम बनाएंगे वह प्रोनाउन भी किस केस में रखेंगे, पजेसिव केस में। तो यह बहुत ही कॉमन बात है, सभी लोग जानते हैं कि ही का यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, पजेसिव केस। क्यों, क्योंकि राम में क्या लगा हुआ है, एपॉस्ट्रॉफी यस, और यह एपॉस्ट्रॉफी यस राम के पजेशन को दिखाता है किसी किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान पर। यहाँ पर किसके किसके ऊपर दिखाया गया, फादर के ऊपर, राम का अधिकार राम का संबंध किससे है, फादर के रूप में फादर से बताया गया है। तो अब हम राम का जो पजेसिव केस है राम, उसमें हम जानते हैं कि राम के लिए हमने ही लिखा, तो अब यहाँ राम्स के लिए क्योंकि पजेसिव केस में राम आ गया तो अब ही का पजेसिव केस यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ही का पजेसिव केस होता है हिज होता है, हिज हो गया, और यहाँ राम ही है तो यहाँ पर हमने फिर क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब इस प्रकार से यह जो शब्द आया किसके लिए आया, राम के लिए, और राम क्या है, क्या है, नाउन है, संज्ञा है ना। तो
अब इस संज्ञा के स्थान पर, इस नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया गया वही क्या कहलाया? प्रोनाउन कहलाया। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। और फिर इस पर शेष चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।